हम लोगों को जुड़ने में विलंब हुआ और इस 15 मिनट के समय की भरपाई में 15 मिनट जल्दी अपने वक्तव्य को समाप्त करके करूंगा और जल्दी ही सारी बातों को समेटने का उसमें समाहित करने का प्रयास करूंगा। आदरणीय पवन तिवारी जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब ये विषय तय हुआ कि कोरोना चुनौती के दौरान बच्चों की शिक्षा में चुनौती एवं संभावनाएं, तो इस संकट के दौर में संभावनाओं की तलाश करने पर हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा कई लोगों ने सवाल खड़ा किया और मुझसे व्यक्तिगत रूप से फोन करके भी बोला कि भाई साहब इसका विषय जो है संभावना की जगह समाधान होना चाहिए। तब मैंने उनको कहा कि ये बात समझ लीजिए कि ये मंच विद्या भारती का है और विद्या भारती पिछले कई दशकों से इस देश के अंदर जो काम कर रही है वो संभावनाओं की तलाश का तो काम है ही। विद्या भारती पूरे देश से संभावनाओं को तलाश कर, उनको तराश कर और उनको समाज में प्रतिमा के रूप में स्थापित करने का काम करती आई है। मित्रों, देश में इस समय लगभग 14.5 लाख स्कूल्स हैं और उन स्कूल्स में प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स की संख्या 3.5 लाख है और सरकारी स्कूल 11 लाख के लगभग इस वक्त इस देश में है। अब ये बात मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत ही आवश्यक है। 3.5 लाख स्कूलों में एक संस्था ऐसी है जो सर्वाधिक स्कूलों के संचालन में किसी ना किसी रूप में मेंटरिंग का काम करती है और एक नीति बनाने का काम करती है और एक नीति पे एक बाल हितेशी नीति में जिसको कहूँगा बच्चों के लिए फ्रेंडली नीति, बच्चों के सर्वांगीण विकास की चिंता करने वाली नीति पे जो सर्वाधिक स्कूलों की संख्या किसी एक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं वो औपचारिक अनौपचारिक मिलाकर 26,000 स्कूल जो हैं 26,000 विद्यालय विद्या भारती के साथ पूरे देश भर में जुड़े हुए हैं और इस नाते इस सेक्टर का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर सबसे बड़ा हिस्सेदार विद्या भारती है। और यहाँ पे हमको ये बात करना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, मैं राष्ट्रीय बाल आयोग में 3 वर्ष तक सदस्य शिक्षा के रूप में कार्य करता रहा, पिछले 1.5 वर्ष से मैं अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ और अपने 4.5 साल के कार्य अनुभव से मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि विद्यालय के खिलाफ शिकायत आना आयोग में बड़ी ही सामान्य प्रक्रिया है क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून की ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी शिकायत निवारण करने का काम जो है आयोग के पास है तो हमारे पास सभी की शिकायतें आती हैं। लेकिन मैं जो बात यहाँ दोहरा के कहना चाहूँगा, जो आज यहाँ आने का एक बड़ा मकसद भी है कि विद्या भारती के स्कूलों से हमको नगण्य शिकायतें प्राप्त होती हैं, ये एक बड़ी ही रोचक बात है और मैं तो कहूँगा ये शोध का विषय होना चाहिए समाज में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए शिक्षा नीति का निर्धारण करते समय कि एक संस्थान से शिकायतों की संख्या कम से कम क्यों है, चाहे फीस का मामला हो। एक शिकायत मेरे पास कहीं से जब फीस के लिए आई तो हमने सामान्य रूप से जब हम फोन करते हैं, हमने फोन किया विद्यालय के संचालक को बताया कि भाई इस बच्चे के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा पूछ लिया कि हमने क्या उसको नोटिस दिया है, उन्होंने पूछा कि नोटिस दिया है, उसने बोला नोटिस नहीं दिया, बोला हमने कहीं इसको निकालने की बात कही स्कूल से तो नहीं की। हमारे यहाँ का उन्होंने फिर बताया कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है काम करने का उसमें फीस तो ऐसा कोई विषय ही नहीं है जिसके कारण बच्चे को स्कूल से निकाला जाए या निकालने की धमकी दी जाए या प्रताड़ित किया जाए। तो धन्य है ऐसे स्कूल चलाने वाले संस्थान और उससे जुड़े हुए लोग, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा। असल में जब हम स्कूल की या विद्यालय की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि भारत में विद्यालय संचालन करना, स्कूल चलाना कभी भी व्यवसाय नहीं रहा। शासक कोई भी हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स का शासन रहा हो, चाहे वो भारत सरकार का शासन हो अंग्रेजों के ज़माने से लेकर आज तक, जब से और राजे महाराजों के ज़माने में भी, जब वैदिक काल के बाद आपके पूर्वोत्तर की हम बात करें तो बंगाल से लेकर के पूर्वोत्तर टोल हुआ करते थे, अलग अलग जगह गांव में प्रत्येक गांव में स्कूल हुआ करते थे, वो सब भी सरकार स्थापित करती थी पर संपत्ति सरकार की नहीं होती थी। या निजी क्षेत्र के लोग भी स्थापित करते हैं पर विद्यालय संपत्ति किसी की नहीं होती, क्योंकि विद्यालय को भारत में हमेशा से राष्ट्रीय संसाधन ही माना गया है। और जब राष्ट्रीय संसाधन ये है तो इसका अपना एक चलन संचालन का तरीका होता है, हर विद्यालय का अपना एक समाज होता है
तो जो आज इस मंच के माध्यम से निजी इस विद्यालयों से जुड़े हुए लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उनको मैं ये अवगत कराना चाहूँगा और उनको ये बताना चाहूँगा कि हर विद्यालय केवल स्कूल का भवन निर्माण होने से नहीं बन जाता। विद्यालय को भवन से विद्यालय में बदलने की एक प्रक्रिया है और उसमें एक समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। समाज विद्यालयों से जुड़ा होता है, विद्यालय समाज से जुड़ा होता है और हर विद्यालय का एक अपना समाज होता है। अब हर विद्यालय के समाज में कौन कौन लोग सम्मिलित होंगे? निश्चित रूप से जिन्होंने स्कूल बनाया वो लोग होंगे, जो स्कूल में अध्यापन का कार्य करते हैं वो शिक्षक होंगे, जो शिक्षार्थ जाते हैं वो विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थियों के माता पिता होंगे। इस प्रकार स्कूल के समाज का निर्माण होता है और स्कूल के समाज के माध्यम से स्कूल का संचालन करना ही स्कूल के संचालन का, विद्यालय के संचालन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जो लगभग विद्या भारती अपनाती आई है, जिसको रेप्लिकेट करने की एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, जिसको इस वक्त रेप्लिकेट करने की आवश्यकता है। फीस देने से निजी क्षेत्र के विद्यालयों में हम जो मानते हैं कि फीस दी और पढ़ाई की, तो विद्या दान में दी जाने वाली दान में दी जाती है। विद्या ऐसी वस्तु नहीं है जिसे क्रय किया जा सके। भारत में तो हम जिन परंपराओं को लेकर चलते हैं उसमें कहा ही गया है, श्री कृष्ण ने कहा है, नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान नेत्र नहीं है। हमारे शिक्षा को प्रकाश माना गया है, ज्ञान को प्रकाश माना गया है, अशिक्षा को, अज्ञानता को अंधकार माना गया है, और विद्यालय का काम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है, शिक्षा का काम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है, शिक्षक का काम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग बताना है। ज्ञान तो अर्जित की जाने वाली विद्या विदा है, ज्ञान को किसी प्रकार से आप खरीद नहीं सकते, किसी से ले नहीं सकते। ये विद्यालय हो, परिवार हो, शिक्षक हो, ये सभी जब ज्ञान की अर्जित करने की बात होती है तो एक वातावरण तैयार करते हैं। जैसे कि लज्जा राम जी तोमर की एक पुस्तक में ये उल्लिखित है और बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो आज यहाँ पे देना बहुत ही आवश्यक है, कि जब हम बीज का रोपण करते हैं, बीज को पौधा बनते हुए उसकी पूरी प्रक्रिया को जब देखते हैं, तो बीज को मिट्टी में लगाया जाता है, उसमें खाद पानी दिया जाता है, सूर्य के प्रकाश से उसको ऊर्जा मिलती है, लेकिन क्या इनमें से कोई भी उसके बढ़ने के लिए, वृक्ष बनने के लिए जिम्मेदार है? उस बीज को तो वृक्ष खुद ही बनना पड़ता है। ये सभी जो वातावरण है, ये वातावरण एक सकारात्मक वातावरण होता है, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से फल फूल सके, वो पौधा खुद को वृक्ष में बदल सके, वो बीज खुद को अंकुरित कर सके, वो अंकुर खुद को पौधे में बदल सके। तो एक वातावरण देने का काम जो है वो विद्यालय का होता है, स्कूल का होता है, शिक्षक का होता है। असल में तो शिक्षा वो सकल ज्ञान है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करती है, यहाँ से वहाँ पहुँचाती है। और भारत में तो शास्त्रों में ये बात लिखी गई है, जिसको हम लोग मानते हैं, कि जीवन के ऋण से हम जो धरती पे आए और धरती पे हम लोग एक जीवन जीते हैं, समस्त प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करते हैं और प्रकृति हमें जो कुछ भी देती है, इसके ऋण से उत्तीर्ण होने का, इस ऋण को चुकाने का केवल एक ही रास्ता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये ज्ञान ट्रांसफर कर सके, जो हमको पिछली पीढ़ी से मिला उसको हम ट्रांसफर कर सकें। तो ये भारत की ज्ञान परंपरा है। इस ज्ञान परंपरा में ब्रेक कहाँ लगता है? हम जिस मेकाले को पिछले कई कई एक शताब्दी से तो लगभग इस बात के लिए दोषी मान ही रहे हैं कि उसने हमारी शिक्षा पद्धति को खत्म किया, हमको ये ध्यान देना होगा कि मेकाले एक ब्यूरोक्रेट था, मेकाले एक अधिकारी था, और जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा भारत पे कब्जा करना चाहती थी, भारत की ज्ञान परंपरा, शैक्षणिक व्यवस्था को ध्वस्त करके, खत्म करके, मेकाले के माध्यम से उन्होंने उस पूरी की पूरी व्यवस्था को भंग किया। और हमने जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस थी, उसको ब्रेक कर दिया और वो ब्रेक लगा हुआ है। अब वक्त है उस ब्रेक को खोलने का। और हमारी ये जो कोरोना संकट है, हमने देखा पूरे देश में लोगों ने इस संकट के समय में सबसे पहले अपनी आवश्यकताएं सीमित की, लोग शहर से गांव की तरफ आ रहे हैं, लोग घरों की तरफ आ रहे हैं।
ये सब तो भौतिक रूप से हम देख पा रहे हैं, लेकिन पिछले 50 दिनों से जो हम सब महसूस कर रहे हैं, जो यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, जिनके अंदर संवेदना है वो इस चीज को समझ सकते हैं कि पिछले 50 दिन से हम सभी लोग आत्म अवलोकन कर रहे हैं, हम लोग अपने अंदर झांक देख रहे हैं, और यही सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म जाने की प्रक्रिया है जिसमें इस समय पूरा देश है। तो ये बहुत ही सही समय है कि हम उन सभी चीजों को अपने जीवन में ला सकें जो हमारी कल्पना में है, जो हमारे जीवन के मूल उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम भटके हुए हैं। तो ये एक संभावना है, ये एक अवसर है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भौतिक रूप से अगर हम बात करें तो जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, जैसा पवन जी ने बताया कि मैं राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का अध्यक्ष के नाते ऐसे दायित्व पर काम करता हूँ, तो बाल आयोग का काम तो देश के सभी बच्चों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और बाल श्रम में कोई बच्चा ना हो, सभी बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास ठीक ढंग से हो, बच्चों से जुड़े हुए जो कानून है उनके संरक्षण के जो कानून है उनकी पालन ठीक से हो, इस सब की निगरानी करने का काम, इस सब की शिकायतें करने का काम और सरकार को समय समय पर सलाह देने का काम इस आयोग का है। इस पूरे के पूरे कोरोना संकट के दौरान हम जो चीज़ संभावना के रूप में देख रहे हैं आयोग के दृष्टिकोण से देश के बच्चों के लिए जो किया जाना चाहिए, उसमें सबसे पहला जो क्रम आता है वो आता है स्ट्रीट चिल्ड्रन का, सड़क पर रहने वाले बच्चों का। और ये जो है हमेशा से इन बच्चों की अनदेखी की गई है। जितना भी हम इन पर लिखा हुआ पढ़ते हैं, जितना भी हम स्ट्रीट चिल्ड्रन की समस्या के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, मूल बात एक आती है कि भाई ये शहरों की समस्या है, शहरों के अंधे विकास में, शहरों के अव्यवस्थित रूप से गठन में ये समस्या पैदा हुई है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये समस्या अगर गाँव से लोगों के शहर पलायन से हुई है, या शहरों में रहने वाली झुग्गी बस्तियों के बच्चों के बीच हुई है, या जो बच्चे घर से भाग के आ जाते हैं, या जिन बच्चे ट्रैफिकिंग के शिकार हो जाते हैं, किसी भी कारण से हो, ये बच्चे देश के हैं, ये समस्या देश की है। और जितनी ये समस्या सोशियो इकोनॉमिक है उतनी ये समस्या लीगल भी है। और इसका समाधान और इसका कारण, इसमें कोरोना संकट के दौरान इन दोनों की संभावना है कि हम कारण को खत्म कर सकते हैं और समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। मैं कहीं ना कहीं स्ट्रीट चिल्ड्रन के या सड़क पर रहने वाले बच्चों के होने के कारण में उन सभी संस्थाओं को जिम्मेदार मानता हूं जिनका काम था वो पूरी तरीके से हम लोग नहीं निभा पाए। तो ये समय है, ये समय इसलिए महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन के दौरान जब सड़कें सुनसान हैं, ट्रेन नहीं चल रही हैं, बसेस नहीं चल रही हैं, सारे बच्चे या तो शेल्टर्स में हैं या जहाँ उनके निवास का आदतन स्थान है वो वहाँ पर है, अब वो वापस सड़क पे ना लौटे। देखिए इस बात में बड़ी गहराई है कि आपके पास एक प्रक्रिया होती है कि सड़क पर रहने वाले बच्चे को घर पहुंचाना, उसको रिहैबिलिटेट करना, उसका पुनर्वास करना, अभी आपको रिवर्सल करना है, वो कहीं पर है तो वापस सड़क पे ना आ पाए, ये ज्यादा आसान है। यहाँ पे हमको सहयोग की आवश्यकता है, विद्या भारती से जुड़े हुए लोग यहाँ पे हमको जिस रूप में सहयोग दे सके उसकी पूरे देश को इस समय आवश्यकता है, उनके लिए संभावना है। ये संभावना है उन बच्चों के लिए जो किसी भी कारण से बाल श्रम के भंवर में फंसे हुए हैं। बाल श्रम एक इतना गंदा अभिशाप है किसी भी बच्चे के जीवन पर कि बाल श्रम केवल इसलिए कराया जाता है क्योंकि वो सस्ता होता है। सस्ते श्रम के चलते एक वयस्क को रोजगार नहीं मिलता और एक बच्चे का बचपन छिन जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये जब लॉकडाउन है, सारी आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं, तो ये बहुत समय अच्छा हो सकता है, संभावना हो सकती है कि बच्चे बाल श्रम में वापस ना लौटें। खास तौर पर जब हम उत्तर पूर्व के क्षेत्र की बात करते हैं, उत्तर पूर्व के आठों राज्यों की बात करते हैं, सिक्किम को मिलाकर बात करते हैं, तब ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि बंगाल का जो रास्ता उत्तर पूर्व को शेष भारत से जोड़ता है, उस रास्ते पे बच्चों की तस्करी का एक पूरा का पूरा नेक्सस काम करता है। और ये कई शोधों में जो है, कई डेटा आप जितना भी एनालिसिस करेंगे
वो उसमें सिद्ध होगा और दिखेगा कि बंगाल में ट्रैफिकिंग का जो है वो रास्ता पूरा का पूरा बना हुआ है, जिसको रोकने के लिए बहुत ही प्रभावी पहल की जरूरत है, जो कानूनी रूप से की जानी चाहिए। लेकिन सामाजिक रूप से, खास तौर पर मैं बात करूंगा अगर उत्तर पूर्व में, तो कोकराझाड़ क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा, या बात करूंगा इधर अरुणाचल में जो कोकराझाड़ की तरफ से बच्चों को ले जाया जाता है, नागांव में बात करूंगा, तो ये बातें आपको महसूस करनी होगी। और इसको रोकने का ये सही समय है कि जब भी ट्रैफिकिंग या बाल तस्करी बढ़ती है तो उसके पीछे गरीबी एक मुख्य कारण होता है, और लॉकडाउन के बाद इसके बढ़ने की भी संभावना है, और इसको रोकने के लिए सजगता ही एक माध्यम है जिसको हम रोक सकते हैं अपने संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से। करना कुछ नहीं है, करना केवल इतना है कि अपने विद्यालयों के, अपने संस्थानों के, अपने कार्य क्षेत्र के आसपास के बच्चों को अपनी अपनी निगाह में रखना है, उनका उनके बारे में जानकारियां रखनी है। और ये प्रत्येक गांव में वल्नरेबल जो सिचुएशन होती हैं वो बड़ी आसानी समझ में आती है कि किसके घर में नशे की बुरी आदत के कारण स्थितियां खराब हैं, किसी घर में आदतन माता पिता का, किसी अभिभावक का स्वभाव खराब हो सकता है, उस कारण परेशानियाँ हैं। बच्चों की अपनी अपनी परेशानियाँ गांव में पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ये आसान होता है। और हम अपने कार्य क्षेत्र में अगर ये पता करने की कोशिश करेंगे तो वल्नरेबल जो बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं उनकी सूची बन सकती है, उनको निगाह में रखना है और ऐसे लोगों के संपर्क में आने से रोकना है जो ट्रैफिकिंग बच्चों की कर सके। और अगर ऐसी सूचना मिलती है तो उसकी शिकायत दर्ज कराना, शिकायत दर्ज कराने का पूरा मैकेनिज्म है जो पुलिस के माध्यम से, हेल्पलाइंस के माध्यम से की जा सकती है। एक और जो आखिरी बात जो संभावना की है वो प्रवासी परिवार बहुत भारी मात्रा में देश भर में अपने घरों में लौटे, देश भर में। तो ये विद्या भारती से जुड़े हुए लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, स्वयं सेवकों के लिए एक संभावना है, एक चुनौती को संभावना में बदलने का और समाधान की तरफ जाने का एक मार्ग है कि जो भी बच्चे जिस भी गांव में आए हैं तत्काल उनका स्कूल में पंजीयन हो। स्कूल जब भी शुरू होंगे तब होंगे, पर स्कूल में उनका पंजीयन हो, उनका नाम दर्ज हो जाए, उनकी सूचियां बन जाए, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे विद्या भारती संस्थान का स्कूल हो, जो भी वहाँ पे अवेलेबल औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम हो उससे जुड़ जाए, वो एक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाए। स्कूल का मतलब केवल अक्षर ज्ञान प्रदान करना नहीं है, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, स्कूल बच्चे के सर्वांगीण विकास और साथ साथ सुरक्षा के लिए एक आवरण है, एक ढाल है, और उसका उसको अधिकार मिलना बहुत आवश्यक है। तो ये एक संभावना है इस बच्चों के लिए भी कि जो भी माइग्रेंट परिवार, जो भी प्रवासी परिवार वापस लौटे हैं उनके बच्चों का तुरंत विद्यालयों में पंजीयन होना बहुत आवश्यक है। अब हम एक दूसरी तरफ ले चलते हैं इस पूरी की पूरी बात को, और आखिरी 7-8 मिनट में मैं ये बात को विराम दूंगा। अब वो बच्चे जो स्कूलों में हैं, मेजर स्टेक उन बच्चों का भी है जो स्कूलों में इस समय देश में 38% से 40% के बीच बच्चे ऐसे हैं जो निजी विद्यालयों में हैं, और निश्चित रूप से विद्या भारती के सर्वाधिक स्कूल हैं, तो एक बड़ी संख्या बच्चों की विद्या भारती के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण कर रही है, और बाकी सरकारी स्कूलों में लगभग 60% बच्चे इस समय देश के अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। एक बात जो हम सैद्धांतिक रूप से कई दिनों से करते आए हैं उसको प्रैक्टिकली करने का ये अवसर हो सकता है, वो है पीयर लर्निंग की बात। हम हमेशा से बात करते आए हैं कि बच्चे सीखते सीखते सीखे, सिखाते सीखते सिखाते सीखते सीखे, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाएं, बड़े बच्चे जो 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, जो 9वीं के बच्चे हैं वो 3री 4थी कक्षा के बच्चों को, 5वीं कक्षा के बच्चों को समझाएं जिसके माध्यम से उनकी समझ भी विकसित हो। तो ये इसके लिए अवसर है कि अब जब भी स्कूल प्रारंभ होते हैं तो कुछ समय तक तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ेगा, शिक्षकों के साथ बड़ी कक्षाओं के बच्चे पीयर लर्निंग में अगर साथ देने के लिए हम उनको तैयार करते हैं तो ये एक्टिविटी उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है, और साथ साथ छोटे बच्चों को तो उसका लाभ मिलना ही है। हम इस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की जो हम पर थोपा गया था
उससे मुक्त होने के लिए कई दिनों से छटपटा रहे, और ये बहुत ही ठीक अवसर है। अब देखिए परीक्षा नहीं हो पाई, अब परीक्षा नहीं हो पाई तो हम स्व मूल्यांकन की तरफ वापस आने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन की परीक्षा में बच्चे के पूरे जीवन का, पूरे भविष्य का निर्धारण करना, ये तो बिल्कुल भी बच्चों के हित में ठीक नहीं है। हम सभी इस अव्यवस्था से गुजर के आए हैं, सभी लोग इस बात को जानते समझते हैं और सैद्धांतिक रूप से मानते भी हैं कि ये पद्धति ठीक नहीं है। तो स्व मूल्यांकन को इम्प्लीमेंट करने की, प्रैक्टिकली लागू करने के लिए ये एक बड़ा अवसर हो सकता है, इस अवसर को हमको हथियाना होगा। इसी प्रकार जो जो एजुकेशन की, जो शिक्षा प्रदान करने के अलग अलग माध्यमों की बात इस समय चल रही है, और बहुत तेजी से ऑनलाइन एजुकेशन की बात भी इस देश में की जा रही है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 38% बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में हैं, बाकी सरकारी स्कूलों में हैं, और सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के मध्य में बच्चे कहीं शिक्षा से वंचित ना हो जाए, कहीं बच्चे डिस्क्रिमिनेट ना हो जाए, ये देखना भी हम सबकी ही सामूहिक जिम्मेदारी है। और ये देखने में हमको शिक्षा प्रदान करने के लिए सारे माध्यमों पर विचार करना होगा, सारे, जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी है, हार्डवेयर की फैसिलिटी है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, वहाँ उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ इनकी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, कम्युनिटी रेडियो, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये अलग अलग दृश्य श्रव्य माध्यम, इंटरनेट, इन सभी का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाएगा, इसको कस्टमाइज करने का वक्त है। यहाँ पे यूनिफॉर्मली कुछ भी इम्प्लीमेंट किया जाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो समस्या गुवाहाटी में है वो हाफलोंग में नहीं है, जो समस्या दिल्ली की है वो समस्या ईटानगर की नहीं है। इसलिए कस्टमाइज सॉल्यूशन की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे जैसे साधन अवेलेबल हैं लोकली, स्थानीय स्तर पर उन साधनों के आधार पे समाधान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो जो हम बात हमेशा से करते आए हैं कि विद्यालयों का संचालन स्थानीय स्तर पर निर्णय लेकर होना चाहिए और विद्यालयों में कैसी शिक्षा व्यवस्था हो ये स्थानीय स्तर पर तय होना चाहिए, तो ये उसके लिए एक अवसर है और उसको हम भुनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कार्य क्रियात्मक अध्ययन, उसके लिए ये एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। और जैसा कि एनसीईआरटी ने भी अभी प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक रिवाइज टाइम टेबल दिया है, वो पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड है, तो ये बहुत ही सही अवसर हो सकता है जिसका लाभ उठाया जा सकता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ चलने का। एक और बात जो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको करना बहुत आवश्यक है, कि देश में जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, खासतौर पे पूर्वोत्तर में जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो पूर्वोत्तर में स्किल डेवलपमेंट का काम जो है, स्किल एजुकेशन जो है, हमेशा बड़ी कारगर साबित हुई है। पूर्वोत्तर के बच्चे बाहर निकल के काम करना चाहते हैं और युवा अवस्था में आकर बाहर से काम करके और अपने लिए संसाधन जुटाने में इन पूर्वोत्तर के बच्चों को खासतौर पर हिचक नहीं होती। पूर्वोत्तर के बच्चे देश के हर भाग में काम करते हुए मिल जाते हैं जब वो अपनी स्किल बेस्ड एजुकेशन के साथ, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो कश्मीर हो, देश के हर भाग में पूर्वोत्तर के बच्चों की उपस्थिति ये सिद्ध करती है कि पूर्वोत्तर के बच्चों की जिजीविषा, काम करने की इच्छा, ललक, मेहनत, लगन, वो बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ बच्चों का उल्लेख जो मैं कर रहा हूँ वो 18 वर्ष से ऊपर के ही हैं जो स्किल बेस्ड एजुकेशन के आधार पर काम करने के लिए जाते हैं। देश के हर सेक्टर में, छोटे बड़े किसी भी सेक्टर में पूर्वोत्तर के बच्चों की धमक आप महसूस कर सकते हैं। ये अवसर है जो गांधी जी का सपना था। गांधी जी ने जब पहला सफल आंदोलन भारत में किया तो चंपारण का आंदोलन किया और समाज को बदलने की शुरुआत की तो स्कूलों के माध्यम से की। उन्होंने उस समय बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जहां स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात की जाती थी, बच्चे सीखें, पढ़ें और उसके बाद स्वावलंबी बने। तो शिक्षा स्वावलंबन की ओर जा सकती है, उसका यही अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
यहाँ पे नीतिगत रूप से राज्य अपने अपने बदलाव करने की तरफ बढ़ सकते हैं कि जो स्कूलों में स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो 15 वर्ष की आयु से दी जाना प्रारंभ किए जाने का ये बहुत ही सही समय है, और इसको सभी स्कूलों में किस प्रकार लागू किया जा सकता है, कौन से बच्चों की अभिरुचि के स्थानीय स्तर पर स्किल्स हो सकते हैं उस पर स्थानीय स्तर पर काम किया जाना इस समय बहुत आवश्यक है। और सबसे आखिर में जो मूल बात है वो यही है कि शिक्षा का स्वरूप तत्व जिज्ञासा को जगाने वाला होना चाहिए, शिक्षा अन्वेषण की ओर बच्चे को आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए। तो ये बहुत ही दिनों से देखी गई बात है कि जब हम शिक्षा में बदलाव की बात करते थे तो एक स्टिग्माइजेशन सोसाइटी में था कि कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा। ये जो ब्रेक लगा है, ये जो दुनिया थम गई है, इस थमी हुई दुनिया में सही समय पे सही हाथ थामने का यही समय है। और नई शिक्षा नीति पर जिस तरीके से भारत के माननीय प्रधानमंत्री गंभीर है, भारत के प्रधानमंत्री बच्चों की शिक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि शैक्षणिक व्यवस्था की खराबियों के चलते परीक्षा एक चिंता, एक अभिशाप बनती जा रही थी, और बच्चे परीक्षा के डर से आत्मघात जैसे कदम उठाने लगे हैं देश में। उस समय देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास कामों की कोई कमी नहीं है, जिनका पूरा का पूरा समय का जो दिन भर का चक्र है वो भी जनता के सामने है, 3-4 घंटे मात्र सोने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में देश के बच्चों के लिए समय निकालना कितना महत्वपूर्ण लगा और उन्होंने किया, और देश के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या परीक्षा पर वो लगातार चर्चा करते हैं और परीक्षा को लेकर प्रोस्पेक्टिव बदलने में उनकी बहुत रुचि और बच्चों को इस चिंता से बाहर निकालने में उनका बहुत ही सक्षम कार्यशैली है। तो ये हम समझ सकते हैं कि नई शिक्षा नीति में जो बदलाव करने के लिए एक ब्रेक की आवश्यकता थी, ये कोरोना लॉकडाउन वो अवसर हमको प्रदान कर रहा है कि नई शिक्षा नीति में जो आमूलचूल परिवर्तन हम शिक्षा में करना चाहते हैं, ये जब नीति आएगी तब देखा जा सकता होगा उसमें कि ये वो सही समय है कि हम अब पूरा का पूरा पलट के वापस तो जा नहीं सकते कि हम 18वीं शताब्दी के 17वीं शताब्दी के पहले वाले समय में पहुंच जाए। जहां है वहीं से शुरुआत करनी होगी। ये पंडित सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया है कि हम जहां हैं हमको वहीं से शुरुआत करनी होगी, और आज हम यहां खड़े हैं, यहां जो एक ब्रेक हमको मिला है वो सही शुरुआत करने के लिए हमको एक अवसर है, और इस संभावना को भी हमको पूरा खोजना होगा। तो विद्या भारती से जुड़े हुए पूर्वोत्तर के और देश भर के सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि हमेशा आपने संभावनाओं को ही तलाशा है, हमेशा आपने समाज आज को दिशा देने का ही काम किया है। तो जो निवेदन मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, इनमें से संभावनाओं को अगर आप लोग तलाशेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ सकेंगे। आप सभी ने आज मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।